फैंटेसी रोमांस और एक्शन के साथ ही इमोशंस का भी इकलौता स्टॉप है चाइनीज ड्रामा। इसीलिए तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ तगड़े चाइनीज ड्रामा शोज जिनमें आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा, वो भी एक बढ़िया अंदाज में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और हाँ, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आइए साथ में हंगामा मचाते हैं। नंबर 5 पर है द प्रॉमिस ऑफ चांगान। राजकुमारी मिंग्यू नौवे राजकुमार चेंगजू से मोहब्बत करने में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उनके खिलाफ हो रही साजिशों तक को पहचान नहीं पाती। ऐसे में ही राजकुमार की मौत हो जाने से राजकुमारी को तीसरे राजकुमार से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पर क्या ये शादी हो पाएगी या फिर नौवे राजकुमार वापस आ जाएंगे? साथ ही इसमें आगे क्या कुछ होगा वो सब जानने के लिए ही आपको इसे देखना होता है। वैसे इसमें एक्शन डिसेंट है पर कहानी काफी अच्छी है, जिसमें पॉलिटिकल चालबाजियां और प्यार मोहब्बत के अलावा भी आपको दूसरे कई सारे इमोशंस देखने को मिलते हैं। नंबर 4 पर है द लेजेंड ऑफ फू याओ। वैसे ये कहानी है चाइना की युआन सेक्ट में एक दास की जिंदगी जीती फू याओ की, जिसकी जिंदगी में प्यार तो है लेकिन परेशानियां उससे ज्यादा, जिसकी बदौलत ही युआन सेक्ट में उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होती है जो उसे मौत के करीब पहुंचा देती है। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात इन पांचों राज्यों को कंट्रोल करने वाले तियान कुआन के क्राउन प्रिंस सुन उ जी से होती है, जिसके साथ मिलकर वो अपने पर लगा एक श्राप तोड़ने के लिए कुछ जादुई चीजें इकट्ठा करने में लग जाती है। जिन्हें वो हासिल कर पाती है या नहीं वो एक अलग बात, लेकिन राजधानी में उजी के खिलाफ जानलेवा षड्यंत्र हो रहे हैं, जिनसे निपटते हुए क्या वो फू याओ की मदद कर पाएगा और आगे इनके साथ क्या कुछ होगा वो सब कुछ जानने के लिए ही आपको इसे देखना होता है। वैसे भाई इसकी कहानी तो मास्टरपीस है, साथ में थोड़े बहुत एक्शन सीन्स और फैंटेसी एलिमेंट्स भी है जो आपको इसका मजा देते हैं। नंबर 3 पर है आइस फैंटेसी। फायर एंड आइस ट्राइब के बीच हुए युद्ध के सैकड़ों साल बाद फायर ट्राइब के दूसरे राजकुमार को रहस्यमय ढंग से मार दिया जाता है, वो भी हिम राज्य में, जिसकी बदौलत हिम प्रदेश फिर से एक बार तबाही के कगार पर है और शाही परिवार भी पकड़ा जा चुका है। लेकिन जैसे तैसे राजकुमार कासुओ और कोंगशी इंसानी दुनिया में 6 जनजातियों के आइस क्रिस्टल्स को हासिल करने पहुंच जाते हैं, जो इनके मुताबिक आइस ट्राइब के अस्तित्व को बचा सकते हैं। लेकिन क्या सच में और क्या यही एक जरिया है? क्योंकि इसके अलावा भी यहाँ पर और भी बहुत कुछ हो रहा है जिसको जानने मजा लेने के लिए ही आपको इसे देखना होता है। वैसे इसकी कहानी के साथ साथ इसमें दिखाया गया हर एक सीन आपके अंदर की एक्साइटमेंट को जगाकर आपको इसका मजा देता है। नंबर 2 पर है हु रूल्स द वर्ल्ड। मार्शल आर्ट की इस दुनिया में फेंगशी और बायफेंगशी दोनों ही सबसे ज्यादा ताकतवर तो है, लेकिन सवाल तो दुनिया पर राज करने का है ना, जिसके लिए इंपीरियल टोकन चाहिए जो कहीं खो चुका है। और यही बात सभी राज्यों को भी पता है, इसीलिए वो अपने अपने लोगों को उसे हासिल करने के लिए भेजते हैं। और ऐसे में ही बायफेंगशी की मुलाकात जनरल ल्यान से होती है, जिसे बचाने के चक्कर में ये खुद परेशानियों में फंस जाती है, जिसके बाद इसमें क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए ही आपको इसे देखना होता है। वैसे इसकी कहानी में आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स इसे इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं, साथ में एक्शन भी है और प्यार भरा एक ट्विस्टेड एंगल भी जो आपको इसके मजे देता है। बस आपको इसे इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही देखना पड़ेगा। नंबर 1 पर है बैक फ्रॉम द ब्रिंक। प्यार में धोखा खाने के तुरंत बाद ही ड्रैगन किंग तियान याओ बुरी तरह टूट जाता है, क्योंकि जिससे वो प्यार करता था वही उसकी जान लेना चाहती है और लेती भी है। लेकिन मरने से पहले ही वो अपना ड्रैगन स्केल निकाल कर कहीं दूर भेज देता है, जो किस्मत से एक तालाब में बहती छोटी बच्ची यान हुई से जुड़ जाता है। लेकिन इस सब के बीच ही तियान याओ एक नए रूप में वापस आता है। अब वो वापस कैसे आया वो आप इसे देख कर पता कर लेना। पर यहाँ उसे तलाश है अपनी बची कुची हड्डियों के साथ ही ड्रैगन स्केल की, जिसे हासिल करने के
चक्कर में जब उसकी मुलाकात यान हुई से होगी, उसके बाद इसमें क्या कुछ होगा वो सब जानने के लिए ही आपको इसे देखना होता है। वैसे इसकी कहानी को काफी बढ़िया ढंग से प्रेजेंट किया है, जिसे आप खुद महसूस कर पाओगे। साथ में एक्शन और फैंटेसी एलिमेंट्स आपको इसका मजा देते हैं। बस आपको इसे इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही देखना पड़ेगा। तो ये थे आज के कुछ बढ़िया चाइनीज फैंटेसी ड्रामा शोज। अब ये आपको कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। हाँ, साथ ही आपको किस तरह की मूवीज और शोज देखना पसंद है वो भी। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।